समय के पास उतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समझ रहे हो बच्चों? समय के पास उतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। तो ये जो समय है वो है हमारे एग्जाम का समय, और ये जो एग्जाम है वो दोबारा नहीं आने वाले। आप चाहे कक्षा दसवीं में हो या बारहवीं, आप बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ये एग्जाम आपको एक ही बार देना है ना। तो ये समय आपका दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि जिससे आप कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सको, है ना। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। तो बच्चों, आपके जो एग्जाम्स के टाइम टेबल आ चुके हैं, और वो लगभग 1 मार्च और वो 2 मार्च से शुरू है। कक्षा बारहवीं के जो एग्जाम है वो 1 मार्च से, वो कक्षा दसवीं के एग्जाम 2 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तो बच्चों, हमें अपने एग्जाम्स की तैयारी अब कसकर करनी होगी, है ना। तो भाई, इस कम समय में, मतलब आज से देखा जाए तो समय बहुत कम बचा है, 1 से 1.5 महीने। तो अब बात आती है कि तैयारी कैसे किए जाए। पूरे एग्जाम्स को हमको प्रिपेयर करना है ना। हिंदी का, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, वो भी कम समय में, साथ ही साथ अच्छे मार्क्स के साथ। तो ये सब कुछ कैसे करेंगे? तो इसी की तैयारियों के लिए, आपके अच्छे मार्क्स व पूर्णता तैयारी के लिए अभिप्सा लेकर आई है एग्जाम सीरीज मिशन 2023। तो यहाँ बच्चों, हम आपको कक्षा दसवीं और बारहवीं के छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। यहाँ आपको कक्षा दसवीं और बारहवीं के संपूर्ण विषयों की तैयारी की जाएगी, जिसमें आपको पिछले साल के प्रश्नों का संग्रहण, चैप्टर वाइज एनालिसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ब्लूप्रिंट, सबसे महत्वपूर्ण है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कराई जाएगी। तो बच्चों, होता क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है सब कुछ बता दिया जाता है। जैसे आपकी सामाजिक विज्ञान की कक्षा दसवीं की बुक है, इसमें अध्याय 21 है, तो आपको पूरे 21 अध्याय पढ़ना है, ये तो पता है ना। क्योंकि जो प्रश्न होंगे 75 अंक के, ये पता है कि इस बुक से आने वाले हैं, 21 अध्याय हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं, इस बात पे हमको गौर करना है ना। तैयारी पूरी करनी है, लेकिन क्या पढ़ना है ये तो हमको टीचर्स ने बता दिया, लेकिन क्या पढ़ना है, को कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन चीजों को हम बताएंगे और आपके पूरे एग्जाम की तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ लगना है, तैयार फुल अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इस पूरे एग्जाम सीरीज को अच्छे से समझिए, ठीक है, कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, हमारा पूरा मेथड क्या होगा और पूरे कैसे चीजें हम एक वन टू वन आपको चीजें समझाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट को समझेंगे कक्षा दसवीं के सामाजिक विज्ञान का, जो आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा दसवीं के अंतर्गत है, जिसका पेपर आपको 17 मार्च को देना है ना। तो 17 मार्च हमारा टारगेट है। तो हमारा एग्जाम कब हो रहा है भाई? मार्च। तो इसको हम नाम क्या देंगे? मार्च मिशन। तो भैया, अब हमने मार्च मिशन की तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी ब्लूप्रिंट समझाऊंगी कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज होता है, और उन चैप्टर्स को पढ़ते समय हमें क्या चीज प्रोस्पेक्ट लेके चलना होगा, कि अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध पढ़ रही हूं तो उससे कौन से मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और मैं उसको किस तरीके से तैयार करूंगी, है ना। तो वो चीजें मैं आपको बताते चलूंगी पूरे इस वीडियोस में और आपके आगे के सीरीज में। हम हर चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, हर चैप्टर में ये समझेंगे कि कौन से इकाई से, कौन से अध्याय से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से 1 मार्क्स से क्वेश्चन निकलेंगे, कहां 4 मार्क्स से क्वेश्चन, और कौन से चैप्टर है जिसमें 6 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है भाई, स्टार्टिंग टू एंड। हमको क्या करना है, 6 मार्क्स से क्वेश्चन आना है, पता है। तो मैं क्या करूंगी भाई, 6 मार्क्स के बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसकी फ्रेमिंग करूंगी। अब फ्रेमिंग भी करना क्या होता है भाई, कि पूरा क्या पैराग्राफ लिखना मैं आपको ये सिखाऊंगी नहीं, उस आंसर का स्ट्रक्चर बताऊंगी कि वो आंसर को की पॉइंट्स में कैसे आप रटे, याद करें कि आप जब एग्जाम के दिन बैठे तो आपको वो सारी चीजें याद रहे। तो बच्चों, चलो तैयार हो जाइए हमारी सीरीज के लिए, कौन सा, मार्च मिशन, ठीक है। तो ये एग्जाम मिशन सीरीज क्या होने वाला है, मिशन 2023, जिसमें हम आपको कक्षा दसवीं के अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषयों को डील करेंगे। और यही सभी जो विषय आपके बारहवीं में भी होते हैं, वो भी आपको अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान और भौतिकी, रसायन शास्त्र, ये सभी आप हम आपके बारहवीं सीरीज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, एक एक बूंद से ये कहानी तो सुनी होगी। कौवा ने क्या किया, पानी पीना था तो क्या किया, घड़े में कंकड़ डाला तो पानी ऊपर आया, है ना। अब हमें वो कंकड़ नहीं डालने, हमें क्या करने, अपने एक एक, दो दो,
तीन तीन चार पाँच छः, इन सब को टोटल करके 75 अंकों के लिए तैयारी करनी है। क्या करनी है भाई? 75 अंकों की तैयारी करनी है। तो क्या सिर्फ हम बड़े क्वेश्चंस की तैयारी करें, छोटे क्वेश्चंस को छोड़ दे? नहीं। तो सिर्फ के छोटे क्वेश्चंस को देखें, बड़े क्वेश्चंस को छोड़ दे? नहीं। तो क्या पूरे चैप्टर को पढ़ने बैठ जाए? नहीं। हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या होगा भाई? आप पूरे पूरे बुक को पकड़े, एक एक अध्याय को शुरू से लेके, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, नहीं करना है। क्या करना है? पॉइंट वाइज पढ़ना है, है ना। दूसरा, अगर पता है कि इस चैप्टर से सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उस क्वेश्चंस को वैसे डील करूंगी, उस चैप्टर को वैसा मैं पढ़ूंगी, है ना। तो यही आप होता है स्मार्ट वर्क, कि कम समय में ज्यादा तैयारी और जीत की तैयारी, है ना। तो अब वो मंजिल दूर नहीं है, जब आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे। तो वो टॉपर लिस्ट में आने के लिए क्या करना होगा भाई? फुल तैयारी करनी होगी, अपने हेल्थ को ध्यान रखना होगा, प्रॉपर टाइमिंग देनी होगी, अपने स्टडीज को टाइम टेबल पढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की बातें मैं आपको जब आप चीज अपने क्लासेस लेते जाऊंगी, आपको अध्याय वाइज पढ़ाते जाऊंगी, तो वो सब चीज़ें आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। तो चलो आज हम समझते हैं कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। जो गवर्नमेंट है आपको क्या करती है, माध्यमिक शिक्षा मंडल आपको एक ब्लूप्रिंट देती है कि आपके जो एग्जाम्स होने हैं वो उस पैटर्न में होंगे, है ना। तो जैसे आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान का पेपर कब होना है, 17 मार्च को होना है। दूसरा, इसमें कितने अंकों का होगा भाई? 75 अंकों का। ये कितने घंटों का होगा? 3 घंटों का, है ना। तो हमें उस 3 घंटों की तैयारी करनी है। अब उस 3 घंटों की तैयारी के लिए अब हम 30 दिन फुल प्रॉपर करेंगे, फुल तैयारी करेंगे, है ना, कि हमें कैसे जाना है, कौन से चैप्टर्स को कितना पढ़ना है, मैडम ने क्या बताया, हमने स्कूल में क्या पढ़ा, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने पेपर की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लूप्रिंट होता है, इसमें ये बताया जाता है कि इकाईवार कितने कितने मार्क्स आवंटित है और प्रत्येक इकाई से कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। जब आपको ये पता हो तो आप जैसे समझ लो आपको रायपुर से कहाँ जाना है, बस्तर, ठीक है। चलो आपको कोई भी अपने जगह मनपसंद ले लो, मैं सोच रही हूँ कि मैं रायपुर से बस्तर जाऊंगी, ठीक है। तो मुझे पता होगा भाई रायपुर से बस्तर जाना है कितने किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। मुझे किस में जाना है, मुझे क्या क्या चीज़ें लगेंगी, मैं गाड़ी से, चार पहिए से जाऊंगी, दो पहिए से जाऊंगी, एरोप्लेन से जाऊंगी, ट्रेन से जाऊंगी, है ना। तो ये चीज़ें मैं पहले से पता करूंगी। तो सेम चीज़ जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एग्ज़ाम्स कितने मार्क्स का होना है, 75 मार्क्स का। तो उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अंक कितने कितने आवंटित किए गए हैं, 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आने की संभावना है, है ना। ये सब चीज़ें जब आप ध्यान में रखकर पढ़ेंगे तब होगा कि आप कम समय में अधिक तैयारी कर पाएंगे और आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे समझाती हूँ कि इकाई आपकी जो सामाजिक विज्ञान में टोटल 9 इकाइयाँ हैं ना और 21 अध्याय हैं, ठीक। तो अगर आप देखो पहली इकाई के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, संसाधन और विकास, विकास की समझ और भूमि संसाधन, ये 3 आपके इकाई 1 के अंतर्गत आते हैं जिसमें टोटल आवंटित अंक कितने किए गए हैं, 9। इन 9 अंकों का विभाजन देखें तो आपको इस इकाई से 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन 1 अंक के आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा 2 अंक का और 1 क्वेश्चन आएगा 4 अंक का, ठीक है। तो पहले इकाई में हमें क्या करना है, छोटे क्वेश्चंस भी देखने हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, और बड़े क्वेश्चन में सिर्फ 4 मार्क्स के, ठीक है। जो 2 अंक के प्रश्न होते हैं उसमें कितना, 30 शब्दों में लिखना होता है, 4 अंकों को 75 शब्दों में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने जो चैप्टर्स करेंगे, जब अध्याय जाएंगे संसाधन और विकास, विकास की समझ, तो हम वैसे ही प्रश्न देखेंगे जो 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में बनेंगे, ठीक है। अब सेकेंड इकाई में आते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास का चैप्टर है और इसमें केवल 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, मतलब आप जब प्रथम विश्व युद्ध के चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पूरे चैप्टर को समझ लीजिए, उसके फैक्ट्स नहीं पढ़ने, उस चैप्टर को एनालिसिस करना है, कैसे कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ या उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका प्रभाव कैसे क्या हुआ, उसमें कौन कौन से देश शामिल थे, क्या कार्य क्रियाविधि हुई, आपको ये सब चीज़ें पॉइंट्स में पढ़नी है ना। और उसको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, उसको की पॉइंट्स में पढ़ना है कि हाँ प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत होने के क्या कारण थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा। आप जब इतना पढ़ लेंगे ना एग्जाम टाइम में आपको पूरी चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, माइंड मैप बनाना, और ये सब चीज़ें मैं आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताते जाऊंगी, ठीक है। अब इकाई 3 में आते हैं तो ये क्या है, भारत के संविधान का निर्माण,
संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, ये दो चैप्टर मिला के आपका इकाई 3 बनता है, जिसमें से केवल एक छह मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए इसमें से ना 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स कुछ भी नहीं आने वाला, केवल 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों चैप्टर से अथवा में एक एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, है ना। तो जैसे भारत के संविधान का निर्माण किन परिप्रेक्ष्य में हुआ, उसमें कौन कौन शामिल थे, उसके क्या क्या प्रभाव हुए, उसमें क्या क्या गतिविधियां हुई, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, शासन व्यवस्था क्या है, आपको इतने क्वेश्चंस को भी तैयार करोगे तो ये 6 मार्क्स से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जब मैं इस चैप्टर पे आऊंगी तो आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स है और उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है। आप एक बार जब स्ट्रक्चर तैयार करना सीख जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में लिखना क्या है, और हमें वैसी ही तैयारी करनी है, पूरी चीजें हमको अभी नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्ट स्टडीज करनी है। ठीक है, अब आते हैं हम चौथी इकाई में। चौथी इकाई में पहला अध्याय है कृषि, दूसरा दो विश्वयुद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी, तीसरा है मुद्रा एवं साख। इस चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1 अंक के 3 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 1 प्रश्न होगा और 5 अंक के 1 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो 10 मार्क्स समझ आया कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो MCQs को भी हमको तैयार करना होगा, साथ में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे और 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये पूरा हुआ हमारा इकाई 1 से 4 तक। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं इकाई 5। इकाई 5 में आता है खनिज संसाधन और औद्योगिकरण, दूसरा है दो विश्वयुद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्वयुद्ध, सरकारी बजट और कर निर्धारण। इस चैप्टर से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं भाई, है ना, तो चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें MCQs भी पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना, तो इसको हमें डायनेमिक वे में पढ़ना होगा कि हमें छोटे प्रश्न भी देखने होंगे, बड़े प्रश्न भी देखने होंगे और फैक्ट बेस्ड भी देखना होगा, जो हमारे MCQs है या सही जोड़ी मिलाओ या खाली स्थान भरो, ये सब में। तो इसको जब हम करेंगे तो इसको डीप एनालिसिस के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, अगला है 6वां इकाई, जिसमें मानव संसाधन, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, ये आपका राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर है, जिसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1 3 मार्क्स का और 1 4 मार्क्स का, मतलब दोनों का वेटेज लगभग सा है ना, 3 और 4 दोनों लगभग सेम होंगे। तो जब इस चैप्टर की तैयारी करेंगे तो हम फैक्ट बेस ना जाके एनालिसिस बेस जाएंगे कि प्रभाव होगा या क्या के राजनीतिक व्यवस्था है ना, मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन की विशेषता क्या है, जन्म दर बताइए, शिक्षा स्तर बताइए, ये सब चीजें क्या हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हमें 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को ही बस प्रिपेयर करना है। ठीक है, 7वां इकाई आते हैं खाद्य सुरक्षा और उपनिवेशवादों का खात्मा और शीत युद्ध, ये आपका क्या हो गया, हिस्ट्री की चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, और इसमें टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के, मतलब ये छोटे ही प्रश्न इसमें फॉर्म होंगे। तो हम इसको क्या करने, फैक्ट बेस करेंगे और छोटा थोड़ा एनालिसिस देखेंगे कि भाई खाद्य सुरक्षा का के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। उस चैप्टर को जब एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे और 2 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 8वां इकाई में क्या है, 20वीं सदी में संचार माध्यम और लोकतंत्र में जनभागीदारी, ये इतिहास का हो गया और ये आपके राजनीतिक शास्त्र का। इसमें 8 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 1 आएगा, 2 प्रश्न आएंगे 1 अंक के और डायरेक्ट आएगा 1 6 अंक का। ठीक है, तो ये 6 अंक के 2 चैप्टर मिल गए, एक था पॉलिटी के जिसमें आपको शासन व्यवस्था और संविधान निर्माण था, दूसरा है यहाँ पे कौन कौन सा 20वीं सदी में संचार माध्यम और लोकतंत्र में जनसहभागिता, इन दोनों चैप्टर को मिला के क्या होगा, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आते हैं 9वें इकाई में, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, लोकतंत्र और सामाजिक सरोकार, आंदोलन, अधिवास और वैश्वीकरण, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनता है हमारा इकाई 9 और इसमें टोटल है 12 मार्क्स। तो ये भी एक हमारा हैवी चैप्टर है ना, इससे 1 अंक के 1 प्रश्न 3 अंक के 2 प्रश्न और 5 अंकों का 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस चैप्टर से टोटल कितने 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना बच्चे, जिसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 1 मार्क्स के भी छोटे छोटे फैक्ट्स भी निकालने होंगे, एनालिसिस भी निकालना होगा और पूरा प्रभाव वगैरह जो भी होगा यहाँ पे आपको देना होगा। अब ये देखो कि 1 अंक के कितने प्रश्न आ रहे हैं, टोटल आपको 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 अंक के 5 क्वेश्चन, 3 अंकों के 4 क्वेश्चन, 4 अंकों के 4 क्वेश्चन,
5 अंकों के 2 क्वेश्चन और 6 अंकों के 2 क्वेश्चन, तो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 1 मार्क्स से कितना 15 और 17 मार्क्स के 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन, वो आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे, आपके एमसीक्यूज मतलब वस्तुनिष्ठ तरीके से होंगे और खाली स्थान होंगे और सही जोड़ी मिलाओ, तो ये तीनों मिला के क्या होगा आपका एक प्रश्न बनेगा, फिर इन चारों पांचों को मिला के आपके 17 क्वेश्चन बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे भाई 18, जिसमें आपको 1 मार्क्स के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। जब आप ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पेपर्स को ध्यान से पढ़ोगे और मार्किंग के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना, तो आपकी पूरी तैयारी बहुत ही अच्छे से होगी और 75 अंक लाना आपके लिए एकदम ईजी होगा कि भाई मैंने तो पता है मुझे पॉलिटी के ये 2 चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ इतना इतना पढ़ के छोड़ दूंगी। अब पता प्रथम युद्ध से सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं ना, तो मैं उसको उसके आंसर्स को 75 शब्दों के लिए फ्रेम करूंगी, ठीक है। तो मैंने बच्चे आपको पूरा चैप्टर समझाया, ब्लूप्रिंट कैसे आपको देखना है, चैप्टर पढ़ते समय आपको कौन से चैप्टर्स में कैसे मार्किंग है ये समझे, है ना। तो आप जब भी पढ़ाई करोगे तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही चैप्टर्स को पढ़ना, ठीक है। तो आपको पता है कि कितने इकाइयां हैं आपके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, 9 इकाइयां, अध्याय कितने हैं 21, अंक कितने लाने हैं 75, तो हम 1+1+1, 2+2+3+3, 4+4, 5+5, 6+6, ये सब करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे 75 मार्क्स। हमारा मिशन क्या है 75 मार्क्स तक पहुँचना, मार्च मिशन की तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारा मिशन क्या है 17 मार्च को इन 75 मार्क्स के लिए लड़के आना है ना। और लड़ने की तैयारी क्या भाई, हम अपने पूरा पूरा क्या हथियार, भाल, तलवार, बंदूक, तीर सब तैयार है, हमारे प्रथम विश्वयुद्ध भी तैयार है, द्वितीय विश्वयुद्ध तैयार है, हमारे अधिकार भी तैयार है, हमारे पास मुद्रा एवं साख भी है और हमारे पास बहुत सारा भूगोल क्षेत्र भी है ना, भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये सब में हम घूमते घुमाते क्या करेंगे इन 75 अंकों के लिए 17 मार्च को अपना झंडा गाड़ के आएंगे, ठीक है। तो आपके भूगोल के अंतर्गत कितने अध्याय आते हैं भाई 6 अध्याय, अर्थशास्त्र के अंतर्गत 5 अध्याय, इतिहास के अंतर्गत 5 अध्याय और राजनीति के अंतर्गत 5 अध्याय, तो ये टोटल 21 अध्याय होते हैं 9 इकाइयों के अंतर्गत, जिसमें हमें 75 अंकों की तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैं आपको पूरे चीजों पूरे चैप्टर्स 21 अध्याय है उसके एनालिसिस बताऊंगी, रोड मैप बताऊंगी कि उसको कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे मैं उसको कराऊंगी, कौन से चैप्टर से 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने, मैं ये सभी चीजें आपको 1 by 1 पूरे चैप्टर इस सीरीज में बताऊंगी, ठीक है। तो बच्चों ये आपका एग्जाम सीरीज है ना, तो मेरे जैसे ही बहुत मेरी पूरी टीम है जो आपकी इस तैयारी में आपके सहभागी होंगे, मतलब जब टीचर पढ़ाता है तो ठीक है, जब लेकिन आपको फ्रेंड बताता होगा तो बहुत इजी समझ आता है ना, तो समझ लीजिए ये आपके 8 फ्रेंड है जो आपके मार्च मिशन में आपके साथ चलने वाले है ना। मैं दीपा वर्मा एक काउंसलर भी हूँ जो आपको समय समय पे अगर आपको लगता है कि परीक्षा में ये परेशानी आ रही है या मुझे ये चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके अपने किसी भी तरीके की समस्या है या कुछ आपको परीक्षा संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम है करियर रिलेटेड, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके इस पूरे सीरीज में सामाजिक विज्ञान को डील करूंगी और विज्ञान के कुछ टॉपिक्स को डील करूंगी। छाया प्रतिभा खिलवाड़ मैम, ये हमारे जीव विज्ञान की शिक्षिका है, ये आपको जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के ऐसे समझाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये चैप्टर्स इतना बड़ा था, आपके जो 15-16 अध्याय होंगे वो आप क्या करेंगे खेल खेल में सीख जाएंगे, है ना, मतलब इतने आपको बारीकी से समझाएंगे मैडम कि बहुत कम समय में ही आप अपनी पूरी जीव विज्ञान की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हिमांशु सोनी जी, ये आपके गणित के टीचर होंगे क्लास 12 के लिए, ये तो भैया आपको ऐसे नंबर के साथ आपको बताते चलेंगे, है ना, तो आप इनकी क्लास को जब करेंगे तो समझ आएगा कि मैथ्स कितना इजी है, तो शायद आपको इनके मैथ्स को देख के 11th में जो आप 10th वाले हैं 11th में मैथ्स लेने के लिए ही आगे हो गया भैया कि मेरे को तो मैथ्स लेना है, मैथ्स हिमांशु सर इतना ईजी कर देते हैं। अभिनव तो शांशु पांडे सर, ये आपके फिजिक्स के टीचर हैं, ये आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार फिजिक्स की जो कठिन चीज़ें होती हैं ये आपको डील करते हैं, है ना, तो ये अपने चीज़ों को इतने तरीके से बताते हैं कि फिजिक्स की जो कॉन्सेप्ट हैं यह लगता है कि फिजिक्स पढ़ना बहुत बड़ा काम होता है, ये उसको एकदम ईजी कर देते हैं।
उसके बाद है टकेश्वर साहू सर, ये आपके गणित के गणित का कक्षा दसवीं के गणित को पढ़ाएंगे। ये आपको ऐसे पढ़ाएंगे भैया कि जो लगता है बहुपद हो गया मैडम, इतिहास ये चीजें हो गई है ना, गणित का ये चीजें समझ नहीं आता, बैंकिंग बहुत टफ लगता है, ये सर ऐसे बताएंगे। अरे इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो टकेश्वर साहू सर आपको वैसे सॉल्व कराएंगे मैथ्स को। रमेश निषाद सर आपको सबसे ज्यादा टेंशन किस में लगती है, अंग्रेजी है ना, इंग्लिश ऐसा लगता है भगवान मती ले पेपर है ना, ऐसे भी लिखना है, लेटर भी लिखना है, ग्रामर भी पढ़ना है, चैप्टर भी पढ़ना, सबसे लेंदी सब्जेक्ट हो जाता है क्या हमारा इंग्लिश, उस लेंदी को इजी करने का काम होगा रमेश निषाद सर का, ठीक है। उसके बाद है लोकेश विश्वकर्मा सर, ये आपके केमिस्ट्री के टीचर होंगे क्लास 12 के सीरीज के लिए, ये आपको केमिस्ट्री के जो बॉन्ड होते हैं ना, ये बॉन्ड वो बॉन्ड इसका बॉन्ड उसका बॉन्ड है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मेरे फ्रेंड के नाम है, आप ऐसा याद कर लेंगे। तो लोकेश सर आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे। हरी साहू सर आपके जो क्लास 10th के विज्ञान को लेंगे, विज्ञान के जितने चैप्टर्स हैं आपको लगता होगा ये विज्ञान बहुत बड़ा पहाड़ है आपको तोड़ना है, ये नहीं, आपको टुकड़ों टुकड़ों में ऐसा देंगे कि आपको लगेगा विज्ञान तो 10 दिन में मैं तैयारी करूंगा, और आप 10 दिन में ही बोलेंगे लाइए विज्ञान का पेपर दीजिए मैं लिख देता हूँ। तो ये मेरी पूरी टीम होगी जो आपके साथ इस सीरीज में मार्च मिशन में निकलेगी, और जो आप पेपर दे के आएंगे अपना झंडा गाड़ेंगे 75 अंकों के लिए, उस दिन हम सब आपके साथ होंगे, ठीक है। तो आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, आपको हमारे अभिप्सा ऐप जो हमारी ई लर्निंग क्लासेस है उसके एप्लीकेशन में भी हमारी क्लासेस मिल जाएंगी, जहां आपको पीडीएफ में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो ये सब चीज़ें आपको हमारे अभिप्सा ऐप में मिल जाएंगी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.abhipsa.in में जाकर, या नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए हैं उस पर कॉल करके आप हमसे आप किसी भी तरीके से परीक्षा की जो जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं। तो बच्चों ये है अभी तक मैंने आज आपको ब्लूप्रिंट समझाया सामाजिक विज्ञान का, इसी तरीके से आपके हर सब्जेक्ट्स की ब्लूप्रिंट अध्याय और पूरे एनालिसिस आपको हर टीचर्स देंगे, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस बताते जाऊंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराते जाऊंगी, तब तक आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करिए और पूरे अपने लग जाइए अपने मंजिल के लिए, और तब तक के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।